दोस्तों अगर आप लोग यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी अन्य बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो दोस्तों, इस पांच ट्रिक को केवल अप्लाई कीजिए। आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन का जो आप लोग का ट्रिक है, आप लोग समझ जाओगे दोस्तों 100%। दोस्तों अगर आप लोग ये ट्रिक अप्लाई करते हो दोस्तों, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ जो भी आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन का कोई कन्फ्यूजन है, सारा कुछ दोस्तों दूर हो जाएगा दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर दोस्तों आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में, या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, या बिहार बोर्ड, या कोई भी अदर एग्जाम आप लोग देने वाले हैं दोस्तों 2024 बोर्ड एग्जाम, या अन्य कोई भी एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ऐसे बताऊंगा दोस्तों, अगर इसको आप लोग तैयार करते हो तो आप लोग 100% जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन है आप लोग का जो माइंड में पूरा फिक्स हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी बच्चों को मन में ये होता है कि आप लोग को बड़े लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, उसका ट्रिक क्या है दोस्तों, उसके पूरा ट्रिक के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग बताने वाला हूं दोस्तों। आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, ट्रिक के साथ दोस्तों बताऊंगा पूरा आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन एक आंसर आप लोग को कोई एक क्वेश्चन आप लोग को लिख के बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग को ट्रिक के साथ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक अगर इसको आप लोग देख लेते हो तो 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर का ट्रिक है आप भी कर लोगे, ये आप भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ट्रिक अगर इसको देख लेते हो दोस्तों, कोई एक क्वेश्चन मैं आप लोग करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, इसको अगर देखते हो सीख लेते हो दोस्तों तो 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों आप भी कर सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर, आप भी कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों, अगर आप भी कोई भी आने पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, या कोई एग्जाम देने वाले हो दोस्तों, तो 100% आप भी देखिए और आप भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर का ट्रिक समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। दोस्तों आइए कौन कौन सा ट्रिक है देखते हैं, अच्छे से समझते हैं दोस्तों कौन कौन सा ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है दोस्तों, इसको आप लोग तैयार करते हो तो 100% दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे मार्क्स लाओगे दोस्तों। तो पहला ट्रिक क्या है दोस्तों, स्टेप 1, आई डोंट हैव टू लर्न। आप लोग को दोस्तों रटना नहीं है, आप लोग को तैयार तो करना है मगर आप लोग को रटना नहीं है दोस्तों, आप लोग को रटना नहीं है, रटना रटोगे तो केवल आप लोग को 10 मिनट तक याद रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप लोग को याद नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप लोग क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप आप लोग को दोस्तों रटना नहीं है, आप लोग को नहीं रटना है। स्टेप 2 आप लोग क्या बोल रहा है दोस्तों, पिक आउट द कीवर्ड्स, कोई भी क्वेश्चन का आंसर है उसका आप लोग का जो कीवर्ड्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उसको पुटअप कीजिए, उसको पिकअप कीजिए, उसको अलग लिखिए दोस्तों। जैसा कि आप लोग का कोई इंसिडेंट हो गया दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों, उसको आप लोग छाट लीजिए, उसको अलग कीजिए दोस्तों। थर्ड क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस टू राइट आंसर, उस कीवर्ड की सहायता से आप लोग को आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, प्रयास नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों, प्रयास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिए जो क्वेश्चन का आंसर है उसको कीवर्ड के साथ प्रैक्टिस कीजिए, कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्या बोला, स्टेप 4th आप लोग का, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है, जो क्वेश्चन का आंसर का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग को प्रॉपरली पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, उसका हिंदी का मतलब निकालिए कि इसका मतलब होगा कि क्या, इसका मतलब होगा क्या कि हम लोग को इसका आंसर आप लोग कर लेंगे, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए और उसका मतलब निकालने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तभी आप लोग माइंड में सोचेंगे, तभी आप लोग उसको कर लेंगे दोस्तों। लास्ट स्टेप क्या बोला है, रीड द लेसन केयरफुली, जो आप लोग का लेसन है उसे आप लोग केयरफुली पढ़िए, या आप लोग को उसी टॉपिक पर आप लोग कोई वीडियो वॉच कीजिए, यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं दोस्तों, और हम भी आप लोग को तैयारी कराते हैं दोस्तों, तो आप लोग कोई भी वीडियो वॉच कीजिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को बताऊंगा ट्रिक के साथ दोस्तों, कोई एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियो के लास्ट में आप लोग बने रहिए और एक कोई क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उस ट्रिक को आप लोग समझिए बढ़िया से, ये इसी 5 ट्रिक्स की मदद से मैं आप लोग को दिखाऊंगा करके। कोई भी मान लीजिए आप लोग का चैप्टर है उसमें से प्रश्न पूछा गया, उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, या उसी पर आप लोग स्टोरी देखिए, कोई टॉपिक स्टोरी देखिए लेसन पर, तभी आप लोग कर लोगे दोस्तों। दोस्तों आइए कोई एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसको ट्रिक के साथ दोस्तों करते हैं दोस्तों। तो ये आप लोग का कोई क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये आप लोग का कोई एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्रिक की सहायता से दोस्तों करेंगे, दोस्तों ट्रिक की सहायता से करेंगे इसको हम लोग दोस्तों। तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले उसे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले उसे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक्स बताया था दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसको हटा दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन को। तो क्या बोला क्वेश्चन, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लंचो, पोस्ट मास्टर ने लंचो को पैसे क्यों भेजे, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने
गॉड के लेटर पर साइन क्यों किया उसे आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो काफ़ी बच्चे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं दोस्तों, 100% कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। समझिए दोस्तों, आप लोग कोई भी एग्जाम देने वाले हो सारे एग्जाम के लिए दोस्तों है, क्या आप लोग समझिए बढ़िया से, समझ लेते हैं दोस्तों, आप लोग तैयार कर लोगे 100% दोस्तों। तो कैसे है दोस्तों, देखिए आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब निकाल लिए। अब आंसर देखिए, सबसे पहले आप लोग जो आप लोग का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको छाटिए। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग बताया था कि पिक आउट द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को छाटिए, कौन सा कीवर्ड से देखिए। पोस्ट मास्टर सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गया, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस, लेंचोस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, इंपॉर्टेंट जितना भी कीवर्ड्स है सबको निकाल लीजिए बात सबसे पहले। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी, सेंड मनी डिसाइडेड टू लेंचो, मोर ओवर द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू डिसिलिशन हिम और सेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, सो ही साइंड द लेटर गॉड। इट वॉज ए गुड प्लो टू कन्वे ए मैसेज डैट गॉड हैड हिमसेल्फ, गॉड रहेगा दोस्तों वो नहीं है, गॉड हैड हिमसेल्फ रिटर्न और लेटर हिमसेल्फ रिटर्न, इतना कीवर्ड की सहायता से दोस्तों आप लोग कर लोगे दोस्तों। ट्रिक के साथ समझिए, देखिए इसको आप लोग कीवर्ड्स को निकाल लीजिए। देखिए पोस्ट मास्टर आया, लेंचो आया, फेथ आया, गॉड आया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे लेंचो को, क्योंकि उसको जो पोस्ट जो आप लोग का लेंचो था उसको भगवान पे भरोसा था, तो वही आप लोग का लिखा गया पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचो स्ट्रॉन्ग फेथ इन द गॉड। फेथ किसको था, लेंचो को था। पोस्ट मास्टर ने जो आप लोग का विश्वास देखा कि जो लेटर देखा कि इसको भगवान के प्रति विश्वास है दोस्तों। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी, इसलिए पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू डिलीशियस हिम और सेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को दोस्तों, आप लोग इसको तैयार करते रहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, आप लोग का काफ़ी बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। इसलिए मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा है, ये आप लोग का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो क्या था आप लोग का, मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू डिलीशियस हिम और सेक। डिलीशियस मतलब होता है आप लोग का मायूस या निराश होता है दोस्तों, निराश या मायूस कर सकते हैं, और सेक मतलब होता है आप लोग का जैसे आप लोग का हिलाना भी हो जाएगा दोस्तों आप लोग का। तो इसको समझिए, द पोस्ट मास्टर हैड डिड नॉट वॉन्ट टू लिशियस हिम और सेक हिम ट्रस्ट इन गॉड। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि जो लेंचो हो निराश हो, कि भगवान के प्रति विश्वास का निराश हो दोस्तों। सो ही साइंड, इसलिए उसने लेटर गॉड के लेटर पर साइन किया। इट वॉज ए गुड प्लो टू कन्वे ए मैसेज डैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटर्न द लेटर। जब उसे ये लेटर प्राप्त हुआ लेंचो को, तो उसे भगवान के प्रति और विश्वास हो गया दोस्तों, और विश्वास हो गया। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, रिलेटेड जो इतना भी कीवर्ड्स है उसको निकालिए, उससे एक सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए, 100% आप लोग कर लोगे दोस्तों, 100% कर लोगे दोस्तों, यही आप लोग का है। देखिए ये आप लोग का है दोस्तों, ये पांच आप लोग का नियम है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों 100%। और दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए 100%, आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, 100% आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। लॉ क्वेश्चन का आंसर का आप लोग का बिल्कुल जो कन्फ्यूजन है सारा दूर जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये आप लोग का डे टू था आज, मैंने फर्स्ट डे आप लोग क्या बताया था दोस्तों, फर्स्ट डे स्मार्ट वर्क क्या होता है दोस्तों, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट डे, ये आप लोग का बैच चल रहा है दोस्तों, फर्स्ट डे मैंने आप लोग को बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो ये वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको वॉच कीजिए दोस्तों। और आप लोग का सेकंड डे में मैंने आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक बता दिया दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखते हैं उसका ट्रिक दोस्तों बता दिया। थर्ड डे का इंतजार कीजिए, क्या कौन सा वीडियो आएगा, मैंने बताया था सीरीज में बताया था कि थर्ड डे फोर्थ डे कौन सा वीडियो आएगा, देख आप अगर आप उसको आप लोग नहीं देखे हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए दोस्तों, और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।